नमस्ते और आज नदियों की हमारी दूसरी क्लास है और उम्मीद करती हूँ कि आपने पुरानी जो क्लास है उसमें नदियों का जो-जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने एमसीक्यू के साथ बताया है वो आपने अच्छे से देखा होगा तो आज और कल की क्लास में सच में है ना मैंने बहुत तेज बोला था लेकिन पता नहीं क्या हो गया माइक को कि जो वॉइस है वो ऑटोमेटिक क्या हो रही थी लो जा रही थी और आज भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फुल लॉन्च पर हो सकता है कि शायद हमें अपना जो वॉइस का सेटअप है वो थोड़ा अपग्रेड करना पड़ जाए तो देखो कल की क्लास के लिए माफी लेकिन आज आ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं गला पूरा का पूरा खोल के बोलूँ लेकिन देखते हैं उम्मीद है कि वॉइस अच्छी आएगी अगर पूरी क्लास के दौरान आपको वॉइस अगर ढंग से सुनाई दे तो हम कर देना ताकि मेरी भी सांस में सांस आ जाए ठीक तो चलो अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वो है नदियाँ और ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम माँ भगवती को जरूर से याद करेंगे ताकि वो हमारे सपनों को क्या दे दे आकार दे दे तो अभी हम अपनी नदियों की क्लास शुरू करते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां मैं रोक रोक के आपको पुराना कुछ पूछूंगी नदियों का तो आपको मुझे क्या करना होगा आंसर भी देना होगा और जिन्होंने जेमू ग्लेशियर का सही आंसर दिया है उनको धन्यवाद चले आगे चलो हाँ अब देखो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्त की है विवर्त ओ आज पेन नहीं लेना भूल गई मैं तो चलो देखते हैं पेन ले लेते हैं रोज कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत वो कहता है ना गड़बड़ करनी पड़ती है है ना मोए मोए मूवमेंट थोड़ा होना चाहिए तो देखो पहले हम पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में सबसे पहली चीज बताई है है मैंने आपको आपको कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब नदियों में ये ध्यान रखना कि नदियों के अंदर अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ही आपको बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ना है लेकिन बेसिकली नदी है ना वन हिट क्वेश्चन वाली है कैसी है नदी वन हिट वाली वन हिट वाली का मतलब अगर आपको नदी का फैक्ट याद है अगर आपको नदी का फैक्ट क्या है याद है, तो, तो आप में क्या कर जाएंगे तो चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त हमें डायरेक्ट हिट करना है या वन हिट करना है तो नदी ही वो टॉपिक है जिस पर आपको सीधा क्या करना है हिट करना है ठीक अगर उसमें याददाश्त अगर आपकी याददाश्त कमजोर रह गई आपने बहुत रिविजन नहीं किया और अगर आपको याद नहीं आया तो फिर अगर आपने तुक्का वाला सिस्टम अप्लाई किया तो निश्चित आपका क्या होगा नेगेटिव मार्किंग होगा और चूंकि हमें नदियों के बारे में बहुत सारी चीजें याद रखनी है तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि बार बार आपको फैक्ट को क्या करना है रिवाइज करना है और चाहो तो आप यही सारी क्लासेस को की स्पीड सारा सारा तकलीफ नहीं देंगे और डायरेक्ट हिट में ये क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे हाँ अगर नदी का क्वेश्चन कैसा आता है सब्जेक्टिव uh, आता है जिसमें बहुत सारी भर भर के लैंग्वेज हो वहाँ थोड़ा आपको क्या करना होगा धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा जनरली नदियों में डायरेक्ट हिट के क्वेश्चन आते हैं ठीक है कल मैं ये बताना भूल गई थी तो आज बता रही हूँ तो 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 नमस्ते कहते हैं उनको नमस्ते जो मुझे राधे राधे कहते हैं उनको राधे राधे जो मुझे जय श्री राम कहते हैं उनको जय श्री राम तो हाय है हो गए अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखो निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्त की है मतलब वो पृथ्वी के हलचल से बनी है किससे बनी है पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हुई है उस हलचल की वजह से बनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्म्रदा जो नदी है नर्मदा जो नदी है और ताप्ती जो नदी है नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो नदियां जो हैं भ्रंश में और भ्रंश घाटी घाटी में बहती है है और आपको पता पृथ्वी के अंदर तनाव बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है टेंशन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ हिस्से नीचे की तरफ पृथ्वी के दब जाते हैं तो पास वाला हिस्सा ऑटोमेटिक ऊपर उठा हुआ दिखता है और बीच में जो खाई बनती है उसे क्या कहते हैं रिफ्ट वैली कहते हैं डायग्राम देखिए टेंशन फोर्स की वजह से ये हिस्सा नीचे की तरफ चला गया एक हिस्सा नीचे की तरफ चला गया और कुछ हिस्से ऊपर की तरफ उठे हुए दिख रहे हैं सॉरी, एक मिनट सही डायग्राम बना देती हूँ तो देखो जैसे कि ये एक पूरा का पूरा जमीन है अब इस जमीन पर पृथ्वी के अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा है तनाव बल टेंशन फोर्स काम कर रहा है तो कुछ इधर से भी खींचतान होगी कुछ इधर से भी खींचतान होगी इस खींचतान में ये बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और बीच वाला हिस्सा जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा वैसे ही आप देखेंगे कि आपको ये वाले हिस्से ऊपर उठे हुए दिखेंगे और ये ऊपर उठे हुए जब दिखेंगे तो आप इसे क्या कहोगे भ्रंश पर्वत कहोगे क्या कहोगे भ्रंश पर्वत कहोगे और ये पा, ये जो बीच में ये जो एक घाटी नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी कौन सी घाटी भ्रंश घाटी और इसी भ्रंश घाटी के अंदर आपकी नदियां हैं एक बहती है आपकी नर्मदा नदी एक बहती है आपकी ताप्ती नदी और एक और मैंने आपको बताई थी वो थी दामोदर रिवर कौन सी रिवर दामोदा नर्मदा और ताप्ती है नर्मदा आपके विंध्यन और सतपुड़ा के बीच की जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है ताप्ती आपकी सतपुड़ा श्रेणी और फिर नीचे की तरफ पश्चिमी तो पश्चिम तो भर -भर के ताप्ती नदी की लंबाई बताई थी तो आज आप खुद से टाइप करोगे की ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है कल मैंने आपको बताई है तो आज आपको मुझे बतानी पड़ेगी ठीक है आगे चले गिव एंड टेक का सिस्टम है अब अगला देखो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती कौन सी नदी नहीं निकलती बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर निकालना है तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती तो हमें किसको याद करना होगा सोनम कपूर को है ना बेचारे सोनम कपूर का भी हमने कहाँ इस्तेमाल कर लिया तो देखो सोन निकलती है नर्मदा निकलती है और महानदी निकलती है कौन सी नहीं निकलती है गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है अब हमें गोदावरी रिवर के बारे में कुछ कुछ चीजें याद रखनी है जो मैं यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ और आपको मेरे साथ साथ क्या करना है रिवाइज करना है देखो गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण की इसलिए इसको क्या बोलते हैं दक्षिण की गंगा बोलते हैं क्या बोलते हैं दक्षिण की गंगा पहली बात ये याद रखनी है कई बार इसको क्या कहा जाता है बूढ़ी गंगा उन लोगों को ये लगता है कि ये गंगा जो है वो कहाँ बह रही है आपके गंगा जो है वो आपके हिमालय पे बह रही है हिमालय आपका नवीनतम वलित पर्वत है तो नवीनतम वलित पर्वत पर जो गंगा बह रही है वो तो जवान है लेकिन प्रायदीप यठार प्रायदीपय पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है भौतिक प्रदेश है और उस प्रायदी पठार पर एक लंबी नदी बह रही है उसको गोदावरी कहते हैं क्योंकि गोदावरी जो है प्रायदी पठार पर बह रही है जो सबसे पुराना है जो बूढ़ा है इसलिए इसको किसकी संज्ञा और दी जाती है बूढ़ी गंगा की भी संज्ञा इसको दी जाती है तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं थोड़ा दिमाग में रखना अगली इंपॉर्टेंट बात आती है गोदावरी की लंबाई जो एग्जामिनर पूछे बिना रहता ही नहीं है उसको इतनी मिचमिची मचती है कि वो आपसे पूछता ही पूछ है कि गोदावरी की लंबाई बताओ तो बहुत आसान है गोदावरी की लंबाई है वन फोर सिक्स फाइव किलोमीटर चौदह सौ पैसठ किलोमीटर ठीक अब क्या करना है बहुत गौर से देखना है किसको चौदह सौ पैसठ को बहुत गौर से देखना है और आंखों में बसा लेना है इसको याद करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा अब यहीं पर आप मुझे बताइए कि तेरा बारह किलोमीटर कौन सा रिवर का लंबाई है ये कौन से नदी का लंबाई है फिर यहीं पे आप लोग मुझे बताइए कि 851 किलोमीटर कौन सी नदी का लंबाई है फिर यहीं पे आप लोग मुझे बताओगे 800 किलोमीटर कौन सी रिवर का लंबाई है ये लंबाइयाँ क्यों याद रखनी है क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे कि सारी की सारी नदियों की लंबाइयों का स्पेशली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के क्या बिठाए गए हैं क्रम बिठवाए गए हैं तो अगर आपको लंबाई याद नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा और हमेशा ध्यान रखना युद्ध पर जाने से पहले ही युद्ध की क्या करनी पड़ती है तैयारी करनी पड़ती है तो इतना काम हम अपनी क्लास से ही करके जाएंगे कि कम से कम हमको सबकी क्या याद रहे लंबाई याद रहे तो हम एडजस्ट कर देंगे क्लियर रहा और क्या गोदावरी के बारे में याद रखना है गोदावरी का उद्गम याद रखना है क्या याद रखना है गोदावरी का उद्गम अब गोदावरी के उद्गम के बारे में क्या ध्यान रखना है तो गोदावरी के उद्गम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट पर एक पहाड़ी है त्रयबकम अब त्रय्बक शब्द क्या आपको याद नहीं हो सकता आपने कभी शिवजी का वो नहीं सुना ओम त्रयम्बकम यजा महेम है ना सुगंधि पुष्टि वर्धनम तो वही जो शब्द है ना त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजा महे तो त्र्यंबक का मतलब होता है जिस जिस त्रि और अंबक तो त्रम्बक पहाड़ी है पश्चिमी घाट पर वहीं से ये निकलती है ये त्र्यंबक जो पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है आपके महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के भी कौन से जिले में नासिक के अंदर तो सब कुछ पूछा हुआ है कि गोदावरी है जो महाराष्ट्र के कौन से जिले से निकलती है नासिक के अब नासिक के अंदर कौन सी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है तो शिव जी का वो याद रखना ओम त्र्यंबकम ये तो त्रियम्बकम त्र्यंबकम की जो पहाड़ियां हैं

ठीक कौन सी याद रखोगे इंद्रावती फिर कौन सी याद रखोगे वर्धा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्धा शब्द आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा रखनी है मंजीरा तो ये सब एग्जामिनर ने क्या पूछी है बार बार पूछी है तो एक बार फिर से पढ़ लो गंगा जी को पेन पकड़ा दो तो पेन गंगा वेन गंगा इंद्रावती वर्धा प्राणहिता और मंजीरा क्लियर तो ये सब कुछ गोदावरी के बारे में हमको क्या रखना है दिमाग में रखना है और एक बार झट से से क्विक से हम क्या कर लेते कर लेते लेते हैं हैं रिवाइज सबसे पहले देखते हैं कि गोदावरी के निकनेम क्या है घर में गोदावरी को क्या बुलाया जाता है दूसरे नामों से है ना जैसे आपको मम्मी लाड प्यार से कुछ और भी बुलाती है ना बिल्कुल वैसे ही तो देखो गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं पहली बात दूसरी अब देख लेते हैं बेचारी गोदावरी कितनी लंबी है तो फोर्टीन एक हजार चार सौ या चौदह सौ किलोमीटर उसकी क्या है लंबाई है याद करने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि कई बार ये डाटा क्या हो जाते हैं हमारे सर बैठ के तबला बजाते हैं कहते हैं हम याद नहीं होंगे तो हम इसको छोड़ देंगे अपने आप अप घुसेगा दिमाग में पीछे पीछे आएगा ठीक फिर आपने क्या याद रखना है फिर आपने ये याद रखना है कि इसका उद्गम का है अगर पूछ ले महाराष्ट्र का कौन सा जिला है तो नासिक याद रखना अगर ये पूछ ले कि पश्चिम घाट की कौन सी पहाड़िया हैं तो मस्त भगवान शिव का एक श्लोक याद रखना ओम ठीक तो त्रियम्बक की पहाड़ी है क्लियर फिर इसकी अपन चलते हैं इसकी सहायक नदियों पर तो सहायक नदियों में बहुत मजे से याद कर लो पेन गंगा वेन गंगा फिर गांधी का वर्धा आश्रम अगर आपको याद है तो वर्धा भी है फिर इंद्रावती है प्राणहिता है और मंजीरा है क्लियर आगे बढो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हाँ अब अगला क्वेश्चन देखो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में प्रदर्शित है अब देखो ये भारत का मानचित्र दिया गया है और इसमें आपको क्या बताया गया है ये एक लाइन बताई गई है अब ये लाइन क्या है वो हम देखते हैं तो देखो अगर आपको इस लाइन को गौर से देखोगे ना तो ये आपको एक दीवार दिख रही है और दीवार क्या काम करती है विभाजन का काम करती है किसका काम करती है विभाजन का मतलब जरूर ये कुछ ना कुछ क्या करता है डिवाइड डिवाइड करता है अब किसको अब किसको सबसे पहले ढूंढो इन सब में कौन से में कौन ऑप्शन विभाजन शब्द है तो देखो कौन से ऑप्शन के अंदर विभाजन शब्द है तो ये रहा ये महान भारतीय जल विभाजक है अब महान भारतीय जल विभाजक क्या होता है भला तो बहुत सिंपल है ऐसी प्राकृतिक सीमा ऐसी प्राकृतिक

तो माउंट कैलाश से कन्याकुमारी तक ये आपको देखने को मिलेगा अब इसके अंदर बहुत सारे पर्वत भी आएंगे अरावली भी इसी का भाग है भारतीय महान जल विभाजक के अंदर अरावली भी आएगी पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये करता क्या है तो ये बहुत सिंपल सा काम करता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र और गंगा तीन नदियों के नाम लिए मैंने सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा इनमें से ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदी है और उनकी सहायक नदियां हैं उनके जल को तो ये भेज देता है बंगाल की खाड़ी के यार तुम लोगों का रास्ता मैंने क्या कहाँ तय किया है बंगाल की खाड़ी और जितना भी सिंधु नदी तंत्र है और उसकी नदियां हैं, उनको ये किस तरफ भेज देता है? अरब सागर की तरफ अब देखो आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि जब तक चीजें आसान नहीं होती तब तक समझ नहीं आती सिंपल सी बात है आप देखते हो एक शहर के अंदर ट्रैफिक चलता है सॉरी एक, एक शहर के अंदर लोग क्या चलते हैं रोड पर चलते हैं और रोड पर आप देखते हो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं ये ट्रैफिक लाइट्स किसका काम करती है ट्रैफिक बढ़ ना पाए और ट्रैफिक को धीरे-धीरे क्या करती रहे डाइवर्ट करती रहे तो बिल्कुल ऐसे ही भारतीय जल भारत सॉरी महान भारतीय जल विभाजक जो है वो किसका काम करता है नदियों के जल को विभाजित करता है कि कौन सी नदी किस तरफ जाकर अपना पानी सागर को देगी तो एक साइड गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और सिंधु और उसका जो सहायक नदियों वाला सिस्टम है वो किधर जाता है अरब सागर की तरफ तो बेसिकली इधर नदियां जाती है अरब सागर की ओर या ऐसे देखो निकल के अरब सागर की ओर आएगी और इधर सारी की सारी नदियां कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी की ओर तो समझ आया कोई दिक्कत नहीं चले तो चलो बड़े प्यार से टाइप कर दो चौदह किलोमीटर कौन सी नदी का लंबाई है ठीक चलो अब देखो अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है ध्यान रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकती है अभी देखो मैंने आपको तीन नदी तंत्र बताए सिंधु ब्रह्मपुत्र एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने बताए सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने बताया आपको सिंधु नदी तंत्र अब ये जो आपका अरावली पर्वतमाला जो महान जल विभाजक का भाग है वो कौन से रिवर सिस्टम को अलग करेगा तो सिंधु और गंगा नदी के तंत्र को क्या करेगा अलग करेगा अब कहोगे कैसे मैम तो देखो मैंने अभी पे लिख के दिया था आपको कि एक तरफ होगी गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और दूसरी तरफ कौन सा होगा आपका सिंधु नदी तंत्र वो जाकर कहा पानी फेंकेगा अरब सागर की ओर अब आप कहोगे की यहाँ अरावली है क्या देखो ये ये हिस्सा जो है ना ये हिस्सा इसमें भारतीय महान विभाजक में कौन शामिल हो जाता है अरावली यहाँ पे क्या हो जाती है शामिल हो जाती है क्लियर तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हाँ अब देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है तो हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन में नदी में क्या रखना है थोड़ा ध्यान रखना है बाकी तो नदी के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट के हैं अगर आपकी याददाश्त अच्छी है और आपने बहुत बार रिवीजन किया है तो आप नदी का क्वेश्चन क्या नहीं करेंगे गलत नहीं करेंगे लेकिन जनरली अगर आपने रिविजन नहीं किया और आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो आप नदी का क्वेश्चन क्या कर देंगे अगर याद नहीं है और तुक्का मार दिया तो गलत हो जाएगा यहाँ पे हमें आराम से पढ़ना है तो देखो पहले हम कथन को आराम से पढ़ते हैं नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश से बहती है इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है बिल्कुल जो ढाल की सामान्य प्रवृत्ति है उससे ये क्या जा रही है उल्टी तरफ जा रही है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं करेक्ट व्याख्या भी कर रहे हैं तो अब इनमें से हमें ऑप्शन देखना है कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की क्या है सही व्याख्या है तो सही आंसर क्या होगा बी होगा देखो जब भ्रंश घाटी बननी शुरू होती है ना तो समय समझ जाया करो कि जिस तरफ भी ढाल है उसके ठीक उल्टी तरफ क्या बन रही है ढाल बन रही है इसीलिए नर्मदा और तापी नदियों का ढाल भी क्या है सामान्य प्रकृति की ढाल से थोड़ा विरुद्ध है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी है और जो कारण है वो कथन को क्या करता है सही तरीके से बताता भी है तो क्लियर एक बार और से चेक कर लो फिर मैं आगे चलती हूँ चलो चलो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त होती है मतलब एक ऐसी नदी है जो तीन बार अलग अलग धाराओं में क्या हो रही है विभक्त हो रही है इतना समझ में आया इतना हिंट मिला और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है देखो नदियां दिखावे के लिए एक दूसरे से दिखावे के लिए अपने आप को बांटती है जब उसे लगता है ना कि हाँ आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो अपने आप को किस में बांट लेती है धाराओं में बांट लेती है और जैसे ही माहौल बिल्कुल ठीक होता है वापस क्या कर जाती है मिल जाती है अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है ना अगर जिंदगी में आपको सफलता को देखना है ना तो आपको बिल्कुल कैसा होना चाहिए नदियों के जैसा मतलब मैं कहूँ अगर आपने जिंदगी में नदियों को उतार लिया ना कि नदियां कैसी हैं तो आप मैं जिंदगी में कहीं भी आप क्या नहीं रहेंगे फेल नहीं होंगे नदी बहुत नदी को समझना और नदी इसलिए तो गंगा गंगा को हम क्या कहते हैं माँ कहते हैं गंगा नदी से भी आप सीख सकते हो इवन मैं कहूँ आप भारत की किसी भी नदी को देखें, नदियाँ जो है वो जिंदगी सिखा देती है आपको और जिंदगी में तरक्की कैसे करते हैं ये नदियों से सीखा जा सकता है तो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी नदी है पहले तो जब कुछ सब कुछ ठीक नहीं होएगा तो वो तीन धाराओं में बटेगी जब सब ठीक हो जाएगा तो वो वापस क्या हो जाएगी एक हो जाएगी लेकिन जब वो 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 तीन तीन धाराओं में बटेगी ना ना तो तो तब वो कुछ न कुछ बनाएगी बनाएगी जरूर तो देखो और इस प्रकार द्वीप बनाएगी। एक बनाएगी रंगपट्टम एक बनाएगी शिव समुन्द्रम द्वीप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बनाएगी वो श्री रंगम द्वीप अब ये कौन सी नदी है जो ये तीनों के तीनों क्या बना देती है आपके द्वीप बना देती है अब आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है ऐसा काम कौन करती ये तीनों द्वीपों का निर्माण कौन सी रिवर के द्वारा किया जाता है तो याद रखना कावेरी रिवर के द्वारा किया जाता है और कल मैंने आपको कावेरी रिवर का उद्गम स्थल बताया था तो आज आप मुझे बताएंगे कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है ताकि पूछने का सारा सिलसिला क्या रहे जारी रहे चलो और कावेरी का लंबाई भी बताओगे आप लोग मुझे आगे चलते हैं अब भारत के निम्नांकित मानचित्र में एक्स और वाई प्रदर्शित है और आपको बताना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है तो ठीक है देखते हैं एक्स क्या है और वाई क्या है अब देखो एक्स एक्स पे गौर रखो पहले तो एक्स पकड़ो ये एक्स अब ये इलाका राजस्थान से सटा हुआ है यानी कि ये एमपी है कौन सी है एमपी है ये जगह नक्शे में कौन सा है मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखोगे तो ये वो जगह है जहाँ विंध्यन पर्वत है कौन सा पर्वत है विंध्यन पर्वत है और इसी विंध्यन पर्वत के आसपास बुंदेलखंड का पठार है कौन सा पठार है का पठार है अब आपको ये चीजें यहाँ पे गैस करनी होगी अब आप कहोगे मैम आप बता रहे हो तब तो समझ में आ रहा है वैसे नहीं आ रहा तो देखो अभी मैंने एक थोड़ा सा नवाचार शुरू किया है जब तक मैं थ्योरी की क्लास पे जाऊँ उससे पहले अभी आपको बताऊंगी भी मैं आगे की वो क्या है कि आपको मैप के क्वेश्चन अच्छे से आ जाए सारा का सारा ठीक तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करती हूँ आगे करूंगी अब क्यों बता रही हूँ यहाँ पे कि ये बुंदेलखंड का पठार है इसलिए बता रही हूँ कि ये बुंदेलखंड के पठार से ही आपको पता चलेगा कि ये वाई कौन सी जगह होगा तो बुंदेलखंड के पठार जो है वो आधा एमपी के अंदर पड़ा है और आधा यूपी के अंदर पढ़ा है मतलब वाई जो जगह है वो यूपी का कोई जगह है कौन से स्टेट का कोई जगह होगा यूपी का कोई जगह होगा अब आपको एक्स में ये दिख रहा होगा ये निश्चित कोई ना कोई नदी है और जब बात बुंदेलखंड के पठार और विंध्यन पर्वत की आए तो ये जरूर गंगा का कोई ना कोई सहायक नदी है जो आगे जाकर किस में मिलेगा गंगा में नहीं यमुना में मिलेगा और यमुना इसका पानी किसको दे देगी गंगा को दे देगी तो अब बुंदेलखंड के पठार पर और विंध्यन साला से विंध्यन पर्वत से इस प्रकार जो नदी जा रही है वो नदी कौन सी है बेतवा है कौन सी है बेतवा और बेतवा रिवर इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना उसकी अभी अखबारों में खूब चर्चा हुए जब से हमने आपने पार्वती कालीसिंध या ईआरसीपी पीकेपी प्रोजेक्ट सुना है उससे पहले जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है वो हुई है केन बेतवा लिंक की ठीक तो बेतवा का ये सिस्टम क्या रखना है आपको याद रखना है कि बेतवा जो है वो आपके विंध्यन पर्वत और बुंदेलखंड के पठार पर है और ये गंगा नदी तंत्र का भी हिस्सा है डायरेक्ट नहीं है यमुना की ये सहायक नदी है और यमुना इसका पानी किसमें डाल देगी गंगा में डाल देगी अब ये नदी तो हमारी फिक्स हो गई कि एक्स पे कौन है बेतवा है तो अब चंबल और केन क्या हो गए आउट हो गए अब हमारा बचता है कि पीछे वाला वाई जो है वो यूपी का कोई ना कोई जगह होगा अब यूपी का कोई ना कोई ना जगह होगा तो वाराणसी भी कंफ्यूज कर रहा है और इलाहाबाद भी कंफ्यूज कर रहा है तो तो कैसे आंसर निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेतवा नदी यमुना में किस जगह पे मिलती है तो हमीरपुर में मिलती है हमीरपुर में बेतवा नदी अपना पानी किसको दे देती है यमुना को दे, दे देती है अब हमीरपुर से आस कौन सा इलाका पड़ता है इलाहाबाद पड़ता है कौन सा पड़ता है इलाहाबाद तो हम आंसर सही कौन सा होगा हमारा ए यानी कि हमारे पास एक्स पर होगी बेतवा नदी और वाई पर कौन होगा इलाहाबाद होगा मानती हूँ मैं थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको क्या करना होगा याद रखना होगा आगे चलू चलो निम्नाकित में से कौन सा कथन असत्य है ऐसे क्वेश्चन नदी से थोड़े टफ होते हैं और डायरेक्ट हिट के नहीं होते जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया तो यहां पे हमको पढ़ना पड़ेगा अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं सतलज ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको कि जो सतलज है वो आपकी कौन सी नदी नहीं है ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है बिल्कुल सही बात है सतलज हमारी कौन सी नदी नहीं है ट्रांस हिमालय की नदी नहीं है दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी है ये भी स्टेटमेंट सही है कि हाँ दक्षिण के पठार से निकलकर जो गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है ना वो कौन सी है सोन है और ये आपको याद भी रखना है आपको यहाँ से उठा के भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है इंद्रावती सालेरी और हित्ता और जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है अभी हमने देखा ही था इंद्रावती और प्राणहिता को इसके अलावा आप किसको और याद रख सकते हो सालेरी को भी याद रख सकते हो तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है मतलब हमारा आंसर नहीं हो सकता फोर्थ देखो महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है अब आपको पता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है कल मैंने आपको क्लास में बताया था सिंघावा से और सिंघावा कहा स्थित है आपके रायपुर में और रायपुर कहा स्थित है आपका छत्तीसगढ़ यानी कि ये पश्चिमी घाट से तो नहीं निकलती ये पूर्वी घाट की तरफ से निकलती है तो ये स्टेटमेंट पश्चिमी घाट की वजह से क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है और आपको कौन सा स्टेटमेंट पूछा है जो कि असत्य है तो सही आंसर आपका क्या होगा डी होगा क्लियर आगे चलू मैं चलो अगला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है अब ये क्वेश्चन आपको एक बार तो क्या याद करना होगा सीधा याद करना होगा लेकिन जब मैं थ्योरी की क्लास लगाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सी नदियां पूर्ववर्ती होती है कौन सी नदियां परवर्ती होती है कौन सी अनुवर्ती होती है कौन सी अध्यारोपित होती है ये सारा सिस्टम मैं आपको चुटकी बजा के क्या करूंगी समझा दूंगी और एकदम आसान शब्दों में आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना आसान शब्दों में पढ़ेंगे ना उतना हमें क्या रहेगा याद रहेगा और जितना हमें आसान शब्दों में पढ़ावा याद रहता है ना उतना कोई चीज याद नहीं रहता ठीक तो अभी तो हम याद करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी है इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट कौन सी नदी है ये एंटीसीडेंट रिवर है तो सिंपल याद रखो कि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र वैसे भी देखो किस तरफ है इंडिया में पूर्व की ओर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो सीधा याद रखो पूर्ववर्ती नदी है जब थ्योरी की क्लास चलेगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि ये पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी है और ये क्या होती है क्लियर अभी एक बार के लिए जब तक एग्जाम है तब तक के लिए हम इसको ऐसे ही दिमाग में डालते हैं क्या भारत में ब्रह्मपुत्र के अलावा भी कोई ऐसी हिमालयन रिवर है जो पूर्ववृत्ती है तो बिल्कुल है वो कौन सी है सिंधु की सहायक नदी है सतलज ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सतलज भी आपके कौन सी नदी है पूर्ववर्ती नदी है अब आज से आपके दो काम जो कि मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ जो याद रखनी होती है तो चलो इसी बात पे बताओ कि जलोढ़ शंकु और अंतर शंकु का निर्माण हिमालय की कौन सी नदी नहीं करती और अगर आपका आंसर घाघरा है तो बिल्कुल करेक्ट है और अगर इस साल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले ठीक अब हम ये देखो कि अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या ब्रह्मपुत्र और सतलज पूर्ववर्ती नदियां हैं तो बिल्कुल है या ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं हो लेकिन सतलज दिया हुआ हो तब कौन सी नदी को सही करके आ जाना सतलज को सही करके आ जाना और अब अपना टास्क सुन लो कि जब भी नदियों की अगली क्लास में बैठोगे तो पहले ही लिख दोगे की मैम सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्ववर्ती नदियां हैं क्लियर चलो आगे चलते हैं भागीरथी नदी निकलती है इट्स सॉरी ये भागीरथी लिखा है पर प्रनाउंसिएशन में भागीरथी हो जाता है हाँ एक बात और कहनी थी मुझे आपसे कि मैं कई बार यहाँ पे बोर्ड पे लिखने लगती हूँ ना तो मैं शिरो रेखा लगाना भूल जाती हूँ वो मैं इसलिए भूल जाती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में होती हूँ तो ऊपर शिरो रेखा लगाना भूल जाती हूँ तो जो हिंदी के कोर स्टूडेंट है अगर उनको इस बात से थोड़ा बुरा लगता है तो मैं माफी चाहती हूँ पर मैं स्पीड में लिखती हूँ तो वो ऊपर लाइन खींचने का मुझे क्या नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता और जो मैंने अभी आपके लिए थोड़ा नवाचार किया है उसके अंदर भी कहीं कहीं जगहों पे मैं ऊपर शिरो लगाना क्या हो गई हूँ भूल गई हूँ तो जब आप वो चीज आपको मिले तो आप माइंड मत करना इस बात को क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में सब चीजें लिखनी होती है फटाफट अच्छे से तो शिरोखा लगानी में क्या हो जाती हूँ भूल जाती हूँ और दूसरा मेरा मीडियम का इशू था तो उस वजह से मेरी आदत नहीं थी पर मैं कोशिश पूरा कर रही हूँ कि मैं एकदम आपको क्लियर कंटेंट हिंदी के अंदर अच्छा और छोटे तरीके में दे पाऊ ठीक भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से गंगोत्री से तपोवन से विष्णु प्रयाग से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सटीक आंसर देने वाला क्वेश्चन है अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे सीधा टाइप कर देंगे गंगोत्री यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है सटीक आंसर चाहता है तो भागीरथी नदी के बारे में ध्यान रखना की ये गौमुख जो क्षेत्र है वहां से निकलती है और ये गौमुख कहाँ स्थित है गंगोत्री हिमानी में गंगोत्री हिमानी आंसर गलत नहीं है लेकिन जब गौमुख और गंगोत्री दोनों ऑप्शन में हो तो ज्यादा सही कौन सा है गौमुख होगा तो यहाँ पे इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा गौमुख क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर ही क्या स्थित है? के के स्थ है? है और वहीं से क्या निकलती है आपकी भागीरथी निकलती है तो क्लियर तो ऐसे सटीक क्वेश्चनों का भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है आगे चलते हैं देखो अभी भी मैं लगाना जल्दी जल्दी में क्या हो गई भूल गई पर मैं आपका भावनाओं का पूरा ध्यान रखूंगी हाँ आगे चलते हैं अब हाँ अब मुझे आपको कुछ बताना था जैसे अभी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मैम थ्योरी में पढ़ाओ थ्योरी पे पढ़ाओ तो बिल्कुल मैं थ्योरी पे पढ़ाऊंगी आप तनिक भी इस बात की चिंता नहीं करें लेकिन जब तक मैं थ्योरी पे जाऊं तब तक मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं उसके लिए मैं हमने एक तरीका निकाला है मैंने और सर ने मिल वो क्या है उसके बारे में बता रही हूँ तो देखो स्कूल व्याख्याता का तो इंडियन जियो से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी जितना मैंने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से पॉलिटी पढ़ाया है राजस्थान पढ़ाया है वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर नोट्स के साथ अटैच

ऐसा नहीं है हिंदी की पूरी लाइन अलग है इंग्लिश की पूरी लाइन अलग है तो अगर आपको मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए डायग्राम वाला हैंड रिटन वाला जिससे आपको ये सारी क्लासेस समझने में थोड़ी मदद मिल जाएगी और उसमें एक छोटू सा गलती हो रखा है और वो ये है कि ऊपर शिरोखा खींचनी में क्या कर गई हूँ भूल गई हूँ लेकिन फिर भी उसको देखने के बाद उसमें सारा डायग्राम सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर बना रखा है जिसकी एक झलक आपने टेलीग्राम पर भी देखी होगी तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको इन टेस्ट सीरीज के अंदर वो क्या कर जाएगा मिल जाएगा मैं अपलोड करवा दूंगी सर भी अप, सर अपलोड करवा देंगे आपको तो आपको ये टेस्ट सीरीज करोगे तो वहाँ पे थोड़ी आपको क्या मिल जाएगी सहायता मिल जाएगी और बहुत छोटा करके मैंने हाथ से क्या किया है सब चीजों को नोट डाउन किया गया है जिससे सीधा क्वेश्चन क्या होता है आता है और करेक्ट होता है और आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हैं तो वो नोट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्या करेंगे समझ में आएंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है ना ये इन तीनों का क्या है कॉम्बो है और अगर आपको खरीदना है तो आपको हिंदू हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा उस पर ये सारी की सारी चीज क्या है अवेलेबल है और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं खरीदोगे तो आप टेस्ट पेपर या पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं सीख पाओगे मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है और टेस्ट सीरीज जो सबसे ज़्यादा मदद करती है वो मूल्यांकन करने में करती है और इस बार मैंने ये शुरू किया है और सर की सलाह से कि मेरे द्वारा जो हैंड से लिखी हुई चीजें हैं हिंदी मीडियम के अंदर उसमें एक गलती है कि ऊपर थोड़ी बहुत सिरोरेखा क्या है गायब है और वो बहुत छोटा कंटेंट है जिससे आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट क्वेश्चन की तरफ फिट हो जाएगा और जियो का सारा नक्शा उसमें मैंने जितना यहाँ अच्छे से हाथ से बनाया है ना वहाँ पे भी बनाया है तो आप लोग जरूर से इसको खरीदिएगा और आपको इससे बहुत फायदा होगा जब मेरी थ्योरी की क्लास चलेगी तो सीधा आपके पास क्या रहेगा वो कंटेंट रहेगा तो आपको ज्यादा क्या नहीं करना पड़ेगा आ, लिखना भी नहीं पड़ेगा और आराम से दिमाग में सब चीजें क्या होती रहेगी छपती रहेगी ठीक तो चलू चलो इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपको ऐसी नदी बतानी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है ठीक तो कौन सी वो नदी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती तो देखो गोमती तो है ही बाएं किनारे पर घाघरा भी बाएं किनारे पर है कोसी भी है कौन सी नहीं है यमुना नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या होगा होगा क्लियर आगे चलू मैं चलो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अगर अब अब हमें फिर से कौन सा कथन देखना है असत्य कथन देखना है मतलब जो स्टेटमेंट क्या है रोंग है

ऐसे ही आपको छोटा नागपुर का जो पठार है उस पर सीढ़ी नुमा पठारों की श्रृंखला है जिसे क्या कहते हैं पाठभूमि कहते हैं क्लियर दूसरा वैतरणी नदी पुनर्युवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है हाँ भाई वैतरणी नदी जो है वो पुनर्युवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है पुनर्युवन का मतलब होता है देखो नदियों के पास ताकत है मैं क्यों कहती हूँ कि नदियों से सीखने की जरूरत है और अगर एक बार नदी का एक एक फीचर हमने ढंग से सीख लिया हम जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे नदियों में ही पूरे ज्योग्राफिकल फीचर में भगवान ने नदियों को ही एक ताकत दी है कि वो रीजरेट हो सकती है वो पुनर्युवनित हो सकती है मतलब वो बुढ़ापे से वापस कैसे आ सकती है जवानी की ओर आ सकती है है ना ये अगर नदियां सिखा दे हमको तो पूरी लड़कियों का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए कोई क्रीम रिम का जरूरत नहीं ठीक तो नदियां जो है उनके पास ये पावर है कि वो खुद को क्या कर सकती है पुनर्युवन युवन कर सकती है वापस से जवान कर सकती है और बहुत सारी नदियों ने ऐसा किया भी है उसमें से एक एग्जांपल आपके सामने कौन सा है वितरनी नदी है फिर देखो उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलियाज के नाम से भी जाना जाता है इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है याद रखना आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि ओडिशा में पूर्वी घाट को क्या कहते हैं मलियाज कहते हैं और इस साल ये क्वेश्चन यही एक क्वेश्चन से सीधा क्या बन सकता है नया क्वेश्चन बन सकता है अब देखो बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बैरन द्वीप जो है भारत का कैसा ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी है कैसा ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी क्लियर अब देखो मैं यहाँ पे शिरोरेखा खींच देती हूँ तो थोड़ा सुंदर लगे पर इसमें थोड़ा क्या लग जाता है टाइम लग जाता है तो मैंने लगभग मेरे नोट्स ऐसे ही पहचाने जाते हैं कि जिनके ऊपर रेखा नहीं है ना मतलब ये मैम ने अपने हाथ से लिखा है ठीक तो जब आप वो टेस्ट सीरीज लोगे ना तो उसमें वो आ, हाथ से लिखा हुआ और बहुत प्रिसाइज मतलब एकदम जो एग्जामिनर पूछेगा वही बात लिख के और पूरा डायग्राम से एक एक चीज का डायग्राम देके समझाया है मैंने तो अगर आपको लगता है कि जब थ्योरी की क्लास शुरू हो तब तक वो आपके पास होने चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज को क्या करना होगा परचेज करना होगा और उसके लिए आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके या पहले से डाउनलोड है तो वहां से परचेज आप कर सकते हो और उसकी एक झलक आपने टेलीग्राम पर देखी है ठीक तो आगे चलें ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डी होगा क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है हमारा है। चलो, निम्न, में एक, दो तीन द्वारा प्रदर्शित नदियां क्रमशः है मतलब आपको बताना है कि ये एक नंबर नदी कौन सी है फिर आपको बताना है कि ये दो नंबर नदी कौन सी है फिर आपको बताना है कि ये तीन नंबर नदी

ताप्ती भी नहीं होगा हालांकि ताप्ती में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन उसका दूर करने का कारण बता दिया कि पहले आप विंध्यन रेंज बनाइए फिर आप सतपुड़ा रेंज बनाइए तो सतपुड़ा रेंज के नीचे जो है वो तापी है लेकिन जो एक नंबर पर है वो कौन सी है नर्मदा है तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है अब देखो क्या करते हैं सेकंड नंबर को पकड़ते हैं सेकंड नंबर नदी की लंबाई अच्छी खासी है और ये पूर्वी घाट की तरफ जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है और इस नदी का नाम है कृष्णा ठीक तो दो नंबर पे क्या आएगा आपके कृष्णा आएगा अब दो नंबर पे कृष्णा दो जगह है यहाँ पे भी कृष्णा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कृष्णा लिखा हुआ है अब अब थर्ड थर्ड नंबर नंबर नदी देखो गोदावरी हो ही नहीं सकती क्यों क्योंकि गोदावरी तो आपकी यहाँ पे नासिक में त्रम्बकम की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और उसकी लंबाई क्या होगी ज्यादा होगी तो यहाँ पे तो लंबाई बहुत कम आ रही है मतलब ये वो नदी नहीं है गोदावरी नदी नहीं है फिर हम कैसे पता करेंगे कि तो है? है। यानी कि ये बिल्कुल सही है सही पता लग जाएगा कि तीन नंबर जो होगा वो कौन सा रिवर होगा कावेरी रिवर होगा तो हमारा सही आंसर क्या होगा ए तो पता चला कि कैसे डायग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आगे चलू मैं चलो अरे सॉरी एक क्वेश्चन रह गया हाँ जिस राज्य में लूनी नदी बहती है अब यार देखो ये तो बहुत सिंपल है किस राज्य में लूनी न, न, नदी बहती है तुम्हारे प्यारे राजस्थान में तो सही आंसर क्या होगा राजस्थान क्लियर आगे चलूं चलो हाँ निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी नदी है और ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये सिंधु की सहायक नदी में वो नदी आपको बतानी है जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बह रही है ये नहीं कि उसकी खुद की टोटल लंबाई कितनी है जबकि आपको ये बताना है कई बार इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत बहस की है और मैंने हजार बार लोगों को करेक्ट भी किया है कि देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो इसमें पूछा है प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा ऐसा नहीं कि उसका टोटल लंबाई तो देखो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है सतलज क्या है इसका सही आंसर सतलज और आपका भारत में सतलज का जो प्रवाह मार्ग है वो भी आपको क्या रखना है याद रखना है अब सतलज का प्रवाह मार्ग भारत में कितना है तो आपको याद रखना होगा सतलज का भारत में प्रवाह मार्ग है 1050 किलोमीटर कितना है 1050 किलोमीटर और ये कहां है भारत में है किस में है भारत में मतलब भारत भारत में सतलज का कितना प्रवाह मार्ग है एक हजार पचास किलोमीटर के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए पहले इसका पता होना चाहिए आपको इसका उदगम तो उदगम तो देखो वही जो मानसरोवर झील है ना तिब्बत के अंदर ठीक है जहाँ पे कैलाश मानसरोवर की आप यात्रा करते हो तो मानसरोवर जो झील है उसके पास एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल क्या नाम है राक्षस ताल उसी राक्षस ताल से आपके कौन सी नदी निकलती है सतलज नदी निकलती है अब सतलज नदी भारत कब आएगी और कौन से दर्रे से आएगी ये भी इंपॉर्टेंट है तो सतलज नदी आती है आपके शिपकिला दर्रे से कौन से दर्रे से शिपकिला दर्रे से ये क्या करती है भारत में शिपकिला शिपकिल्ला दर्रे से ये क्या करती है आपके भारत में प्रवेश करती है और आप सबको मैंने पढ़ाया है है कि जो शिपकिला दर्रा है, वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है अब आपको इस साल ये भी याद रखना है कि सतलज की जो सबसे मुख्य सहायक नदी है ना उसका नाम आपको याद रखना है तो सतलज की सबसे मुख्य सहायक नदी है स्पीति नदी कौन सी नदी स्पीति नदी तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्पीति नदी है वो निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु नदी तंत्र की जो एक नदी है उसकी सहायक मुख्य नदी है तो वो कौन सी होगी स्पीति तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सतलज का भारत में लंबाई कितना है तो बहुत आसान है एक किलोमीटर है इस बार जब मम्मी आपको सामान के खर्च के पैसे दे और वो अगर एक हजार पचास हो या एक हजार रुपए दे तो आप पचास रुपए और ऐड करके मत से याद करना कि सतलज की लंबाई कितनी आती है एक हजार पचास किलोमीटर फिर ये ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील के पास एक ताल ताल बना हुआ है है राक्षस ताल, वहां से इसका उद्गम होता है। फिर ये भारत में कहा से प्रवेश करेंगे कहा हम आरती का थाल लेके सतलज की आरती करेंगे शिव किला दर्रे पे करेंगे शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इसकी सबसे बेस्ट एम बेस्ट फ्रेंड भारत में कौन है स्पीति नदी है ठीक और भी है इसकी सहायक व्यास है जैसे पर हमें कौन सी याद रखनी है स्पीति याद रखनी है आगे चले चलो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है अब ट्रांस हिमालय से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है अब देखो इसमें ब्रह्मपुत्र नहीं दिया गया है और ब्रह्मपुत्र नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा सतलज होगा कौन सा होगा सतलज अब सतलज निकलती तो ट्रांस हिमालय से है लेकिन सतलज बहती जो है वो आपके कौन से हिमालय में बहती है लघु या मध्य हिमालय के अंदर ये क्या करती है बहती है ठीक तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका सतलज फिर अगला क्वेश्चन चिल्का झील स्थित है देखो चिल्का झील जो है वो आपके उत्तरी सरकार तट पर स्थित है और ये भारत की सबसे खारी झील है मतलब भयंकर नमक भरा पड़ा है इसके अंदर और ये लगभग सबको पता है कि चिल्का झील कौन 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 से स्टेट में फैली है और जो चिल्का झील है वो आ, कित, आ, उसके अंदर, वो, समुद्र तटीय इलाके की सबसे जो खारी झील है वो कौन सी है चिल्का है अब बात सांभर की भी कर लेते हैं लेकिन सांभर जो है ना इनलैंड है, है लेकिन अगर आप ओवर देखेंगे, तो उसमें कौन सी आएगी चिल्का पहले आएगी फर्स्ट नंबर पे आएगी ठीक चलो हाँ निम्नलिखित मानचित्र में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नदियों का सही क्रम है ठीक अब हम देखते हैं मैप ये देखो फर्स्ट अब यहाँ पे बना लो आप अरावली अरावली बना लोगे और अरावली में ये मध्य अरावली से निकल रही है यानी कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर नंबर आपका आपका लूनी है। है, आपका? लूनी है 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 कौन सा अब आ जाओ सेकंड नंबर देखो सेकंड नंबर ऐसे निकल रही है और निकल के सीधा अरब सागर में जा रही है और नीचे की तरफ है यानी कि ये सेकंड नंबर कौन सी है माही रिवर है कौन सी रिवर है माही अब पढ़ते अपन थर्ड को थर्ड पे कौन है तो देखो थर्ड पे भी ये देखो ऐसे निकल रही है और फिर यूं जा रही है तो जो थर्ड नंबर पे है ना सॉरी गड़बड़ हो गई है मुझसे थोड़ी एक बार सही से बताती हूँ हाँ ये देखो यहाँ अरावली बनाओ फर्स्ट नंबर पर जो है फर्स्ट नंबर पर है आपकी लूणी ठीक अब आते हैं अपन सेकंड नंबर पर ये जो सेकंड नंबर पे आपको ऐसे दिख रहा है ये सेकंड नंबर पे आपकी साबरमती है सेकंड नंबर पे क्या है साबरमती है दक्षिण अरावली से निकलेगी और नीचे की तरफ ये जो है विंध्यन पर्वत के साइड से जो तीसरे नंबर पर है वो कौन है आपके माही है और जो फोर्थ नंबर पर जो आपकी निकलकर आ रही है ऐसे नीचे की तरफ ठीक है वो है आपकी ताप्ती नदी कौन सी नदी है ताप्ती तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा लूनी एक नंबर दो नंबर पे साबरमती तीन नंबर पे माही और चार नंबर पे ताप्ती और देखो कई बार साबरमती और माही में क्या होता है कंफ्यूजन होता है और सॉल्व करते वक्त मुझे भी हुआ है तो आपको भी हो सकता है तो गौर से देखना इसको ठीक आगे चलूं? चलो और आज दो मिनट दीजिए मुझे पानी पीना पड़ेगा मैंने खूब चिल्लाया है तो गला में थोड़ा तकलीफ हो जाती है मेरे तो दो मिनट दो मैं अभी पानी पी लूंगी फिर आपको वापस मिल जाऊंगी हाँ चलो नर्मदा तथा सोन से से निकलती है? अभी फिर से हमें किसको याद करना है सोनम कपूर को और जैसे ही हम सोनम कपूर को याद करते हैं हमें पता है कौन सी पहाड़ी से निकलती है ये अमरकंटक पहाड़ी से तो इजी था आगे चलते हैं फिर हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि भाई ये भी बताओ कि गोमती कैसी नदी है गोमती अनुवर्ती है अनावृत है प्रत्यानुवर्ती है या पूर्वानुवर्ती है तो देखो गोमती के बारे में डायरेक्ट एक बार सीधा याद करो कि ये कैसी नदी है अनुवर्ती नदी है पहली चीज दूसरा गोमती रिवर इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट mm. है देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गोमती वो नदी है जो गंगा में मिलती है लेकिन गंगा के कौन से तरफ से मिलती है कौन से तट की तरफ मिलती है तो गंगा के बाएं तट पर मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो गोमती में ये याद रखनी है दूसरी गोमती का उद्गम याद रखना है गोमती का जो उद्गम है आप सबको याद होगा फूलर झील है और ये फूलर झील कौन से जगह पे है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पीलीभीत उत्तर प्रदेश में फूलर झील से इसका क्या होता है उद्गम होता है और ये गंगा के बाएं तट पर गंगा से क्या करती है मिलती है और ये कैसी रिवर है अनुवर्ती है फिर हमें क्या याद रखना है फिर हमें ये याद रखना है कि ये कहाँ पर गंगा को अपना पानी दे देगी तो ये गंगा को अपना पानी देती है गाजीपुर में गाजीपुर जो यूपी में जगह है वहां पर ये अपना सारा का सारा पानी किसको दे देती है गंगा को दे देती है क्लियर तो सब कुछ याद रखोगे कि गोमती है वो एक अनुवर्ती नदी है और जो गोमती है वो आपके फूलर झील से निकलती है और जो फूलर झील है, है और जो गोमती है वो एक अनुवर्ती नदी है और गोमती जो है वो गाजीपुर गंगा में अपना पानी किसको दे देगी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपना पानी किसको दे देगी गंगा को दे देगी तो क्लियर चले आगे चलो अच्छा

वो बढ़ता जाए लगातार और लोग अपनी सफलता तक पहुंचते जाए ठीक वो वो एक श्लो, एक शायरी है मुझे याद नहीं रहती देखो ज्यादा वो पता नहीं कारवा बनता रहे आई डोंट नो पर आप लोग ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आपका और मेरा रिश्ता बढ़ेगा उतना ज्यादा आप लोग सही ढंग से पढ़ेंगे और सही ढंग से पढ़ते पढ़ते एक दिन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी ठीक तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय